अल्टरनेट रियलिटी है, इसमें तो जीना पड़ता है। थोड़ी बहुत बदमाशी, थोड़ी नॉटीपन जरूरी है यार, आदमी बनने के लिए ये सब जरूरी चीज़ें हैं। अच्छा, हमने भी थोड़ी देर पहले रणवीर से बात की, कह रहे थे आप बहुत सिंपल बने। मैं तो सिंपल ही हूँ यार, सब लोग मिसअंडरस्टैंड करते हैं मुझे, मैं क्या बताऊँ आपको। अच्छा, लेकिन जो हम देख रहे हैं यहाँ पे तो आप तो ये तो एक वो अलग दुनिया है ना, तो अलग दुनिया में बहुत सारे मौके ऐसे मिलते हैं जो आपको अपने आप को भूलना पड़ता है, कैरेक्टर में घुसना पड़ता है, और मैं कंप्लेन नहीं कर रहा हूँ वैसे। अच्छा, क्या कहेंगे उन्होंने फिल्म के बारे में, क्योंकि इतना यूनिक टाइटल है शराफत गेट के लिए, हम अपने नॉर्मल लाइफ में भी बोलते हैं। मैं सच बात बताऊं, ये तो जब गुरमीत स्क्रिप्ट के साथ आया तो पहली बार मैं ये सुना ये स्लैंग जो शराबत गई तेल लेने, मैं तो देहरादून का पढ़ने वाला हूँ, फिर भी ऐसे बात ऐसे कभी स्लैंग सुना नहीं था। लेकिन बहुत ही अमेजिंग टाइटल है पिक्चर की, बहुत ही अमेजिंग स्टोरी लाइन है, और गुरु जिस तरह से लिखा है ये पिक्चर को, एक मुझे लगता है एक बहुत ही नया किस्म का सिनेमा है, पैन इंडिया सिनेमा है, और एक कॉमेडी थ्रिलर, यू नो बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है कॉमेडी और थ्रिलर को एक साथ जोड़ने, यू नो तो इंटरेस्टिंग, बहुत ही कूल। हम लोग एक्चुअली जैसे कि आजकल के ट्रेंड्स हैं कि बड़े बड़े गाने लाने हैं यहाँ पे, तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारा भाग भी गाना बहुत ही बड़ा बड़ा किस्म का गाना ही है, और आप इंजॉय कर रहे हो, बहुत इंजॉय कर रहे हो, इसलिए तो आप इत्मीनान से बैठे थे। तो मैं यही कहता हूँ कि यू नो हम ये गाना जब मैं बहुत बार यहाँ पे गुजरता था, यू नो एयरपोर्ट से या कहीं होटल से या कहीं सिनेमा हॉल में, और बहुत सारे लोग आके बोलते हैं सर एक फ़ोटो, लेकिन आजकल ऐसे होता है सर एक सेल्फी। तो मैंने बोला यार ये सेल्फियाँ तो बड़ी अच्छी चीज़ है यार, बड़ी ट्रेंड हो रही है इसमें, तो क्यों ना ऐसे कुछ सोचे सेल्फियाँ के बारे में। और मीत ब्रदर्स के पास गए हैं, और ऑल ऑफ अ सडन उनके पास भी एक ऐसे ही गाना है, तो हमने बोला यार मार दो हथौड़ा, लेते गाना बनाते हैं, और बहुत ही बढ़िया गाना बनाया है। और जैसे कि आप देख रहे हैं गणेश जो हिप हॉप के मास्टर हैं, और ये किस्म की जो जॉनरा होती है गाने का, आई थिंक गणेश इज़ जस्ट द बेस्ट इन इट, ही नोज एग्जैक्टली व्हाट ही इज़ डूइंग। और यू नो आई थिंक हम इतने एक्सपोज हो गए पूरी दुनिया को, इतने सारी चीज़ देखें कि हमने भी ऐसे सोचा कि यार कुछ अलग बनाए, कुछ एक्सट्रीमली लाइक सेक्सी, एक्सट्रीमली कूल, कुछ ऐसे चीज़ लाए पर्दे पर। So it was, it's a great experience. Yeah. Zaid bhai, abhi aapne filthy ki baat ki, aapko yaad hai last time aapne autograph kab diya tha uske bare mein, kyunki hum log autograph nahi lete uske bare mein. Nahi yaar, actually main bahut hi matlab jab main gaya tha Kashmir ek mahine pehle, tab maine autograph diye thi, aur it was I think autograph haan aajkal bahut kam hote hain, aajkal sabke paas mobile phone hai, sabke paas wo cameras hai, to ऑटोग्राफ कम लेते हैं, लेकिन हाँ ऑटोग्राफ देने का भी एक मजा है। आपसे एक शिकायत की मेरी, आपने बहुत लंबा टाइम नहीं लिया, कितने देर के बाद है, कहाँ आपके जो फैन है मिस कर रहे हैं आपको, जो थोड़े बहुत रह गए। नहीं यार एक्चुअली देखो जिंदगी में क्या है कि जब तक आपके पास पैशन हो, स्पेशली आप अगर आप एक आर्टिस्टिक फील्ड में है ना, आपके पास पैशन होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सिर्फ जॉब के लिए कर रहे हो तब कोई और जॉब जाके करो। तो एक वक्त ऐसे आया कि मैं इतना काम कर रहा था कि मुझे ना दिन पता था ना रात पता था, तो मैं सोचा यार थोड़ा सा ब्रेक ले लूँ, तो कुछ और करूँ, कुछ और ट्राई करूँ, यू नो। और लेकिन कहते हैं ना कुछ पेट के लिए कमाते हैं कुछ दिल के लिए, तो एक्टिंग दिल के लिए करता हूँ, और मुझे लगता है कि ये जो अपॉर्चुनिटी मिली है मुझे ट्रिनिटी फिल्म से, और मेरे खास दोस्त अखिलेश जो प्रोड्यूसर है इस फिल्म का, मैंने सोचा यार यू नो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसे गंवाना नहीं चाहिए। और कैरेक्टर भी ऐसे लिखा है कि मैं कोई जायद खान नहीं खेल रहा हूँ, एक ऐसे अनोखा कैरेक्टर है जो यू नो एक चैलेंज है आर्टिस्ट होने के ज़रिए। तो यार बहुत मज़ा आ रहा है, और हाँ मैं ये कह सकता हूँ सेट पे वापस आके मुझे बहुत खुशी है, बहुत खुशी महसूस हो रही है। जी ज़रूर, मैं तो कह रहा हूँ ना कि मैं हर आर्टिस्टिक चीज़ को अपनाना चाहता हूँ, चाहे वो डायरेक्शन हो, चाहे वो एक्टिंग हो, चाहे वो प्रोडक्शन हो, चाहे वो म्यूज़िक, सब कुछ। ये देखो सिर्फ आप अपने आप को रोक सकते हैं इस फील्ड में, क्योंकि यू नो यहाँ पे इतने सारे, अगर आप अच्छी तरह से हर चीज़ को आज़माते हो तो आप सब कुछ कर सकते हो। और ये आज के ज़माने में नहीं हो रहा, मेरे बाप दादों के ज़माने में भी ऐसे ही होता था, सब लोग प्रोड्यूस करते थे, एडिट करते थे, डायरेक्ट करते थे। तो आई थिंक यार आर्टिस्टिकली यू शुड बी एबल टू एक्सप्रेस योरसेल्फ ऑन ऑल मीडियम्स। तो यस,
शराफत गई तेल लेने। देखो भाई, कहते हैं कि ऑनेस्टी रखना बहुत ज़रूरी है, अपने आप से ऑनेस्टी रखना बहुत ज़रूरी है, लेकिन देखो दुनिया है, दुनियादारी भी है, दुनियादारी भी सीखनी पड़ती है, तो कभी कभार शराफत को तेल लेने भेजना चाहिए और नहीं तो क्या। चलो।